मेरी बाबू सुरीला। जय श्री राम। सुंदर जोड़ी हम लग रही है यहाँ पे। हाँ वीडियो लाइव करो भाई। अच्छा, जय गुरु गोरखनाथ जी। जय वारी देर कोई काम नहीं, कोट करना। अपने बच्चों के साथ आएंगे अगले साल ही अपने बच्चे। अभी तो आपने देखा भी नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजिस ब्लॉग। मैं हूँ इसलिए लिया लाजी को। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया। तो अब सुबह हो चुकी है और सब लोग भैया तो पहले से रेडी हो चुके हैं। हमारे भैया भैया के पास चलते हैं। भैया गुड हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भैया? ठीक है जी। और बढ़िया जी, आज पूजा हो रही है और पूजा में ये है कि सब लोगों ने तो नहा धो लिया, कहीं से नहीं नहाए भी ये अपने जो है। अब उठिए सो करके। अभी कहाँ उठी हूँ, एक घंटा हो गया मुझे। वैसे गोरी चिट्टी तो लगता नहीं है कि नहाया नहीं हुआ, लेकिन नहाया नहीं इसने भी। नहीं, नहाना जरूरी नहीं है, नहाया तो लगना जरूरी है ना, तो इसीलिए मैं लग रही हूँ। तो गाइस, ये बच्चे कुछ से लोग जा रहे हैं वहाँ डिग्गी में, वहीं नहाएंगे सारे लोग। बोली कुछ भैया बोलो। भैया शर्माते हैं थोड़ा, शर्मीले हैं भैया, इसलिए कुछ बोलते नहीं। बस हेलो कर दो भैया, आपका हेलो ही बहुत। पर अभी घर का माहौल ऐसा चल रहा है। ये सारे जितने कुछ बच्चे कुछ हैं, ये सारे जा रहे हैं डिग्गी में, वहीं जाके नहाएंगे धोएंगे, और हम तो यहीं पर घर पे ही। साथ में ये लोग लेके जाएंगे डब्बे वब्बे, जिसमें भी पानी वानी भर के लेके आएंगे हमारे लिए, तो हम यहाँ आएंगे। पलटन जा चुकी है। मेरा फेस वॉश खत्म नहीं होना चाहिए, हम दोनों के लिए बचा देना। बेटी खत्म हूँ, मार खाओगे तुम। तो ये जा चुकी है लाइन मेरा फेस वॉश लेके। ये लग रहा खाली करके लाएंगे आज। यहाँ हमारी भाभी बेचारे काम कर रही है सुबह से। देखो पहले नाश्ता बनाया हमारे लिए, फिर झाड़ू मार रहा। देखो ये होती है ये पहाड़ की वो बहुए। देखो सीखो जरा। और ये देखो बहू का बिल्कुल नाराज बेटा, जब देखो नाराज ही रहता है। ये भाभी की पूछ ही तो है वो, और क्या, पूरे दिन नहीं छोड़ेगा वो भाभी को। मेरी बाबू सुरीला, ये पंच फेंक रहा था वो। तो गाइस, हम लोगों का ना माहौल इतना सही रहता है घर पे, मतलब पूरे दिन हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो, पेट दुख जाता है, गाल दुख जाता है, लेकिन बहुत मजा आता है। तो अभी मैं भी फटाफट नहाने जा रही हूँ, कल से कपड़े चेंज नहीं करेंगे। दीदी वीडियो तो बनाना क्या किसकी, ये हम बैठना पैसा भाई। हाँ हाँ, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद मिलता है। सो गाइस, हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, रेडी तो नहीं हुए, ये लोग रेडी हो चुके हैं, सारे भगवा कलर में रंगे हुए आज। सबको दिखा देती हूँ, सब ने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना है, तो ये रिवाज है। सब हेलो हाय कर दो। जय श्री राम। सारे जय श्री राम के उसमें वो हो रखे हैं मगन भगवा में। तो गाइस, सबने कुर्ता पहन लिया है, काशू के लिए फिटिंग का कुर्ता नहीं मिला, तो हम लेने जा रहे हैं। वो ऐसा है कि सारे के सारे जितने भी पूजा में घड़ियाल बैठेंगे, वो सारे के सारे लड़के लोग ऐसे ऑरेंज भगवा में रंगे होंगे, मतलब ऑरेंज कलर का सबने ये भगवा वाला कलर पहना होगा, तो वो सारे घड़ियाल है। ठीक है, अब पूजा में ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा कि सब एक जैसे बने हुए, एक जैसे बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी देखेंगे। इस बार कुछ नया हो रहा है, तो अभी हम पहले कुर्ता लेके आते हैं। हम लड़कियां तो अभी रेडी नहीं हो रखी हैं, लड़के रेडी होके चले जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर तैयारी भी करनी होती है हर बार की तरह। और पूजा कैसी होती है, क्या होती है, वैसे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था पिछले साल, लेकिन मैं इस बार भी ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि इस बार नया क्या है, क्योंकि आपके बार भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे मंदिर का गेट वगैरह और मंदिर का एरिया पूरा थोड़ा सा चेंज किया है, तो नया मंदिर कुछ बनाया है, तो वो भी दिखाऊँगी। और ऑब्वियसली ये जो भगवा कलर पहन रहे हैं सब, तो वो भी है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं हमारे घर में, तो आ रहा हूँ। इसके लिए कुर्ता नहीं मिला, चलो कुर्ता लेने। नहीं, कुर्ता मिल गया, बहुत बड़ा है यार। बड़ा तो है वो, उसके साइज का लेने चल रहे हैं। चलो जी, तो गाइज ये लोग
भगवा वाले तैयार हो चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम वाले, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा पूरा काम जय श्री राम वाले, जय श्री राम। तो ये सारे ऑरेंज बने हुए हैं। अब मैं कपड़े उतारने जा रहा हूँ दोस्तों, अब दूसरे पहन के आऊंगा तब दिखाऊंगा आपको अपना दूसरा लुक। चलो बाय। पूजा शुरू होने वाली है गुरु गोरखनाथ जी की। पूजा तो वैसे शुरू सुबह से शुरू हुई है, लेकिन अभी सभी लोग वहां पर भगवान जी का भोग लगाने के लिए और आरती करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़ें, पूजा को देखें, भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। मामी आप यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? टांडिया बढ़िया लग रहा है। तो मामी बहुत टाइम बाद आई है यहाँ पे, और पहली बार आई बोली है? पहली बार आई मुझे लगा पहले है ना। तो मामी पहली बार आई है हमारे गांव में, तो मामी कह रही मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तो मंदिर में जाके लगेगा आपको अच्छा, तो चलो फिर मंदिर चलते हैं। सब लोग तैयार हो चुके हैं और फोटो शूट चल रहा है। रुको मैं भी हूँ, देखो भैया और भाभी एकदम मैचिंग मैचिंग जानबूझ के मैचिंग मैचिंग में बना रखा है। और ये सब सुंदर जोड़ी हमारी लग रही है। हाँ, बाकी तो सब गुड़े बांध रहे हैं। तो सब हमारी फैमिली तैयार हो चुकी है और सब बस सभी बोल दो जय गुरु गोरखनाथ। तो आप भी फोटो खींचनी है? गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, ये हमारी पलटन आ रही है पीछे। और इन्होंने सिर पे इसलिए वो गुड़ रखा है, वो प्रसाद के लिए है। तो सब लोग अपने अपने घरों से ऐसे लेके जाते हैं गुड़, है ना। अब की बार ना लेके जा रहे हैं, ये देखो आगे भैया को। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, हम पुराने वाले रास्ते से ही जाएंगे हमेशा की तरह, है ना बॉडी। हाँ, भाभी खाली हाथ जा रही है और वहाँ देखो सारे लाइन से, क्या मस्त लग रहा है। चलो ऐसे में लेते हैं। गाइस यहाँ पे ये पीड्यूल है, तो फिर इसमें ना बहुत ज्यादा फिसलते हैं। अभी भाभी पीछे गिर गई, तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। मैंने कहा लमटाए, वो तो फिसले हैं भाभी। तो गाइस जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो आ चुकी है, हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। तो इस बार मंदिर का गेट वेट सब बहुत चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वो आप रहे मेरा बताए अंजो। गाइस प्रोटेक्शन के लिए हम अपनी चप्पल यहाँ रख रहे हैं, बाकियों के नीचे कहीं वो ना हो जाए, रल ना जाए, इसीलिए हम अपनी ताई के थनोड़ में रख रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज ये है हमारा गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, और ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब वाओ। अभी इसे और ज्यादा अच्छा बना दिया है, पहले से भी ज्यादा, मतलब पहले भी ये बहुत अच्छा था लेकिन अभी और ज्यादा अच्छा लग रहा है और एकदम नया नया सा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं, तो भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी ज़्यादा मान्यता है। हर साल ये पूजा होती है और हर साल इसी तरह सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं इस पूजा के लिए,
सभी लोग मिलते हैं और मंदिर में बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये पूजा हर साल हमारे गांव में होते हैं और इस बहाने सभी गांव वाले एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो ये एक और बहुत अच्छी बात है। हेलो करो, हेलो, बस दस भैया प्रणाम। ये यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, हलवा मनीष चाचा, यहाँ पे सौरभ, ये आटा गूंथा जा रहा है। पहले वीडियो बन जा, आटा तो गूंथा रहे हो। हाँ बना यार, पहले अपना वीडियो बना। अब खुद भी कैसे बनाएगा फिर? खुद को दिखा दूंगा, दूसरे को उठाएगा लास्ट। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह की तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब मंदिर में पूजा शुरू होने से पहले इस तरह की तैयारियाँ की जाती हैं, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारे गांव में मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि जब भी पूजा होती है तो सारे एकदम से मिलजुल के काम करना शुरू कर देते हैं और पूजा को सफल बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं बस। और ये जो पत्तों का आप देख रहे हैं, इसके ऊपर रोट रखा जाएगा, जो अभी आटा गूंदा जा रहा था, गुड़ का और घी से आटा गूंदा जा रहा था, तो उससे इस पर रखा जाएगा और रोट बनाई जाती है, एक बड़ी सी वो तैयार की जाती है। और तो रोट का मतलब ही रोटी होता है और ये बहुत शुभ माना जाता है। पूजा की शुरुआत और प्रसाद इसी रोट से होती है। ये लगभग एक क्विंटल आटे से बनाया जाता है, जो आटा सभी के घरों में से कम दो दो किलो सभी लोग देते हैं मंदिर के लिए। और इस रोट को कंदार के पत्तों पर घी लगाकर उस पर पकाया जाता है। और इस वीडियो को बनने में एक और क्रेडिट मैं अपने भाई अंकित भाई को और अजीत और अंशुल को भी देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं आपको पूरी तरह से ये पूजा दिखाई नहीं पाती कि सुबह कैसा होता है और घर में क्या माहौल होता है और पूजा के टाइम क्या माहौल होता है। क्योंकि देखिए इस तरह से सुबह काम किया जाता है और यहाँ पर लड़कियों को नहीं आने दिया जाता, लड़कियों का आना यहाँ पर मना है, इस वजह से मैं ऊपर जाकर कुछ भी दिखा नहीं सकती थी। अगर वो नहीं होता तो मैं ये सब नहीं दिखा पाती। तो यहाँ पर रोट बन के तैयार हो चुकी है, मतलब इसे पूरी तरह से पकाया जाता है। ये सिर्फ एक ही बड़ी सी रोटी बनाई जाती है, रोट मतलब रोटी होता है, और ये एक ही रोटी बनाई जाएगी और इसी का प्रसाद भी बनाया जाएगा। और ये सारे गांव में मतलब पूरे जितने भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए होंगे पूजा के टाइम पे, उस टाइम पर इसे बांटा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी ऑरेंज ऑरेंज कुर्ता पहन के बहुत सुंदर सुंदर बन के मंदिर में आ चुके हैं और वहाँ से लेडीज़ें भी आना शुरू हो गई है, इसका मतलब पूजा शुरू ही होने वाली है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव वाले, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग गाँव के लोग भी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी के। और गोरखनाथ जी का यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और कहा जाता है कि इस स्थान पर श्री गोरखनाथ अपना त्रिशूल छोड़कर गए थे और तभी से इस स्थान पर गोरखनाथ जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गांव वाले इस मंदिर को बड़ा भव्य बनाना चाहते थे, लेकिन किसी बुजुर्ग के सपने में गोरखनाथ जी आए और उन्होंने कहा कि मेरे मंदिर पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। तभी से ये मंदिर छोटा सा कुछ पत्थरों का मंदिर है और सभी गाँव वाले हर साल पूरी श्रद्धा से मंदिर की पूजा करते हैं। पूजा के समय गोरखनाथ जी दर्शन देने आते हैं और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनको अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूजा के बाद किसी को भी बिना प्रसाद के नहीं जाने दिया जाता। प्रसाद में मीठे चावल, गांव वालों द्वारा दिया गया गुड़ का प्रसाद और रोट दी जाती है। रोट सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो गाइस वहां पे लेडीज अपना टाइम पास कर रही है कीर्तन करके और यहाँ पर लाइन लग रखी है, सारे भेली चढ़ा रहे हैं ऊपर वहाँ मंदिर में ऊपर। अब लड़कियों को ऊपर जाने नहीं दिया जाता, उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पर कहा जाता है कि लड़कियों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता, इस वजह से कोई भी ऊपर नहीं जाता है। सारे के सारे जितने भी जेंट्स होंगे वो ऊपर की साइड होंगे, बाकी सारी जो लड़कियाँ हैं और
लेडीज हैं वो सारी की सारी नीचे ही रहती हैं, प्रसाद वो यहीं से दे देती हैं ऊपर और बस। भाभी हेलो बोलो, हेलो तेरे वीडियो तो बहुत देखते हैं आज लाइव देख रहे हैं हम तो आप वीडियो लाइव करो भाई। अच्छा धन्यवाद। तो यहाँ पे सारा महिला मंडल अपने कीर्तन भजनों में व्यस्त हो रखा है और देख सकते हैं नीचे की साइड सारी की सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं क्योंकि हमें ऊपर जाने अलाउ नहीं होता। और उसके बाद सभी अपनी अपनी भेंट चढ़ाते हैं तो भेंट के लिए एक बड़ा सा बर्तन आता है, उसके अंदर हमें अपनी भेंट डालनी होती है, साथ में चावल होते हैं क्योंकि खाली भेंट नहीं डालनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। और सारी की सारी लड़कियां और महिलाएं नीचे की तरफ इसलिए रहती है क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, जैसे हनुमान जी के पास भी कोई लड़कियां उन्हें छूती नहीं है ऐसे ही यहाँ पर भी यही है कि गुरु गोरखनाथ जी को कोई छूता नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे टीका लगाया जाता है सबको। तो गाइस अब यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है तो सब लोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं। चलो चलो चलो, अरे हमने नहीं जाना आया। क्या कर, तो पूजा हो चुकी है और सबको प्रसाद मिल चुका है, अब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ आई है मेरी, हेलो तो करो, हाय हेलो, कैसे लग रहा था ये आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे गांव में जो ये इतने लोगों को सब मिलवा देते हैं तो हम सोचते हैं कि मतलब हमारे बहुत अच्छे भाग्य में हमारा बहुत बढ़िया है जब गोरखनाथ जी हमको एक सामने इकट्ठा करते हैं, है ना, बुलावा है उनका। और हर बार जब से शादी हुई है तब से हर बार आते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग अपने मेल मिलाप हो जाता है हमारे गांव में, बहुत बढ़िया वो है मेल मिलाप। तो आप जोर से बोल दो, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय माता दी। तो गाइस हमारे साथ है अभी अज्जू, अज्जू बोलो, बोलो मेरे को क्या देख रहे हो? तो इनके लिए लड़की नहीं मिल रही है, गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद हो तो इनके लिए लड़की जल्दी मिले। और आप लोगों के कांटेक्ट में कोई अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी लड़की हो तो जरूर बताएं, नीचे मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगी, है ना, आप उसमें तेरे कोई काम नहीं। चाची भी है, चाची बोलो कुछ, तेरे कोई काम नहीं, हमारी अच्छी लड़की है, वीडियो बनाते हैं हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? आके बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव में, अच्छा अपने गुरु गोरखनाथ जी की पूजा हो गई हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ चाची आओ, चलो मैं आ गया, बोलो वारी तेर कोई काम नहीं, कुकरा कोट करना। ये वाली लाइन ही अपनी कुआरी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इनकी हो, जो अभी तक मिली नहीं है, तो जो भी होने वाली बुआरी है सुन लो अभी। ये चीजें सुननी पड़ेगी तो आदत अभी से डाल लो। गाइस ये था साड़ो चल। तो गाइस अब पूजा समाप्त हो चुकी है और हम सब घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे लोग हैं वो सारे प्रसाद लेके अब सीधा घर जाएंगे, वहाँ पर लंगर होगा तो लंगर को रंग करके मजे लेंगे सब। भात का पहाड़ खाने, भात का पहाड़ खाने ये पहले से सोच के आया, दिल्ली से इसीलिए आया कि भात का पहाड़ खाते, ईद का खान और ईद का हगन। जी यार ये बात डाल दे तू, इसको दिल पे मत लेना, ये ऐसे चलता रहता है, ये बात डाल दे तू। हेमा दी
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छा हो रखा, बहुत अच्छा बन रखा प्रसाद जी। हमारी बहन क्या हो गई अंजलि? यही थी मजा आ रहा है। बताओ भाभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये तो ऊपर ही होगा। हाँ आपकी बात ज्यादा, मंदिर थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बैठने की अच्छी व्यवस्था। हाँ ये अच्छा लग रहा है, सारे भगवा कलर में हो रखे, नेता वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भक्त, इससे पता चल रहा है कितने बड़े भक्त है। और क्या ये देखने को बड़ी ना वीडियो बनाने को। हाँ धन्यवाद। नकली दांत लगा के आना, चमकीले एकदम, है ना? आजू भैया आजू। तो आगे हमारी पलटन भी पीछे से। हेलो गाइस, सिस्टम हेलो, हमें ऊपर आने के लिए अलाउ नहीं है ना, ऊपर नहीं आ सकते, तो हम नीचे ही थे। हाँ भाई कैसा लग रहा है? आशु कैसा लग रहा है? एक नंबर, मजा आ गया, बहुत ही शांतिपूर्ण। हमारा जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया। क्या मकसद था? मकसद क्या था? मांगली लड़कियां, मांगली भगवान से। पांच लड़कियां मांगी है, ज्यादा नहीं है। अभी अपने बच्चों के साथ आएंगे, अगले साल ही अपने बच्चों के साथ आएंगे। ये देखो ब्लॉगिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को टक्कर देते हुए, कोई टक्कर नहीं है हम दोनों का। बहुत ज्यादा चले शूटिंग में। आप कैसा लग रहा है? अपने मौसी अपने कमेंट्स बताओ ना वीडियो में। बताओ नहीं बढ़िया लगी अपने को? मौसी मैं लोग गई हूं। हां बोलो दीदी क्या नाम है? अंजलि किल्डिया ने बहुत ही अच्छा ही बनाया, हमको बहुत पसंद आया। हमारे आज गुरु गोरखनाथ की पूजा है, यहाँ पर सभी का भव्य प्रकार से आयोजन किया गया है, जिसके कारण अंजलि किल्डिया ने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, उसके हम बहुत आभारी हैं। अभी तो आपने देखा भी नहीं वीडियो। पहले ही उसका वो मिल गया मेरे को। एप्रिसिएशन अच्छी है। हाँ यही नेपोटिज्म देखा, अच्छा लगा। किल्डियाल थी अभी, वो भी किल्डियाल थी तो प्रमोट कर दिया। प्रमोट कर रहे हैं वो बस मेरे को। तो भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम दिखाओ। पूजा के बाद मेरे पास काम किया जा रहा है, सारे तौले लेके जाए जा रहे हैं। ये कहाँ ले जा रहे हैं? धोने के लिए नहीं, बांटेंगे। अच्छा घरों में प्रसाद, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये घरों के लिए प्रसाद दिया भेजा जा रहा है, अब तो सबके घर में ये प्रसाद जाएगा। गाइस मुझे फॉलो करना और समझ गए होंगे। अरे आपको कौन नहीं जानता? नहीं जो नहीं जानता उसे कोई नहीं जानता। बहुत लोग जानते हैं, कोई नहीं। जब आपने मेरे घर पे, ये मेरे घर पे आया था, जब उसके बाद सब लोग जानने लग गए इसको। उसके बाद ही जाने सब, वरना उससे पहले कोई नहीं जानता था। चप्पल चुरा के लोग भाग रहे हैं। क्या इतनी पुरानी चप्पल कैसे चुराएगा कोई? तो दोस्तों जैसी मेरी शक्ल है ना, सुंदर सी, जैसे मेरे पैर हो गए। मोर है ये, मोर मोर है ये, इसके पैर। मोर नहीं मिल रही, कोई बताओ भैया कौवे से शादी कर लो। नहीं वो दो चार साल बाद मिलेगा। कोई है ऐसी जो तीन चार साल वेट कर सकती है? शर्म आ गई, तीन चार साल वेट कर लूंगा मोरनी का। चलो चलो बहुत हो गया तुम्हारा, चलो। नमस्कार, जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा गांव ग्राम टांडियों, ये पौड़ी गढ़वाल की नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर घिल्डियाल वंश के लोग लगभग आज से 500 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे वो आए थे, और तब से लेकर के यहाँ पर हमारे गांव में हमारे इष्ट देवता श्री गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की जाती है। साथ में हमारी भूम्या भगवान नरसिंह और कालिंका देवी की पूजा की जाती है।
तो इसमें समस्त गांव के लोग और दूर दराज से अन्य गांव के घिल्डियाल वंश के लोग और आसपास के अन्य गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो जिसमें आप देखेंगे कि इसमें लगभग एक क्विंटल आटे का एक रोटी बनाई जाती है, तो उसको बनाने का भी बहुत बड़ा विधान है और बड़ी मान्यता है उसकी। लगभग एक वर्ष तक वो रोट खराब नहीं होता, उस परमात्मा की ऐसी कृपा है। तो इसमें जो है गोरखनाथ जी का वर्णन आता है कि गोरखनाथ जी मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे। एक बार की बात, मच्छेंद्रनाथ जी कहते हैं भिक्षा के लिए गए, तो रास्ते में देखा कि एक ब्राह्मणी कोई बहुत गरीब उनका घर पड़ता था, तो उनके दरवाजे पर अलख निरंजन की आवाज लगाई। उन्होंने भिक्षा दी तो दुखी हो रखी थी। पूछा, मैया क्यों दुखी हो? कहा, मेरे घर में सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, गरीब तो हूं मैं, लेकिन खाने पीने के लिए फिर भी है मेरे पास में, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। तो मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें एक बभूत देता हूं, इसको तुम यदि खा लेते हो तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो उन्होंने वो बभूत ले ली, लेकिन कुछ आस पड़ोस की महिलाओं ने बाद में जो है उनको कहा कि तुम ये बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, बभूत जो है मत खाओ, इसको फेंक दो। उन्होंने गोबर के गड्ढे में उस बभूत को फेंक दिया। तो मच्छेंद्रनाथ जी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे घर में फिर आऊंगा और फिर जो है पता करूंगा कि ये बालक कितना बड़ा हो गया है। तो 12 वर्ष बाद मच्छेंद्रनाथ जी वहां पर आए, उस देवी को आवाज लगाई कि हे देवी, वो बालक कहाँ है? तो देवी की आंखों में आंसू आ गए, कहा मैंने तो जो है वो जो बभूत दी थी आपको गोबर के गड्ढे में डाल दी। कहा कहाँ पे ले गए? वहां पे ले गए। तो उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगे, जल का छीटा मारा मंत्र करके, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम गोरखनाथ पड़ा। और तब से लेकर के भगवान गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना, वो जो है साक्षात शिव का ही स्वरूप माने गए। तो हमारे गांव में भी हमारे घिल्डियाल वंश के कुल देवता के रूप में, उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। और ये हर वर्ष जून के महीने में पहले सप्ताह यानी इतवार को जो है भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें कई प्रकार के भोग बनाए जाते हैं भगवान के लिए। पहले भगवान का भोग लगाया जाता है, नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, और सभी गांव के लोगों से पहले जो है लगभग 2.5 किलो आटा, घी, चावल और अन्य सामग्री इकट्ठी की जाती है और गुड़ आदि इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसमें जो है भगवान का रूट बनाया जाता है, और फिर सब लोग सम्मिलित होते हैं उस पूजा आरती में, और उसके बाद उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये हमारे गाँव में लगभग पिछले 500 वर्षों से, ये जब से हमारे पूर्वज आए थे तब से यह जो है किया जाता है। धन्यवाद।